मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को राज्य स्तरीय भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। भोपाल के सुभाष नगर खेल मैदान पर इस भव्य तिरंगा यात्रा में करीब 5,000 खिलाड़ी और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा सुबह से सुभाष चंद्र बोस मैदान से प्रारंभ होकर सुभाष नगर अशोक विहार परिवहन चौराहे से होते हुए नेहरू चौराहे पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में पुलिस बैंड, साइकिल ग्रुप और स्कीटर्स भी शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर यात्रा की शुरुआत की। दो बार ओलंपियन रहे कांस्य पदक विजेता विवेक सागर और शूटिंग में दो बार के ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सीएम ने विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का सम्मान किया। इतना ही नहीं, मौके पर हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए पहुंचे और खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और महापौर मालती राय भी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के इस महोत्सव में डूबा हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर घर तिरंगा अभियान में पूरा देश डूबा हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को पुनः एक बार बधाई। आज के इस आयोजन में ओलंपियन विकास सागर जो डीएसपी है और हमारे मध्यप्रदेश के इटारसी के रहने वाले हैं, जो ओलंपिक के मेडल पाने वाली टीम के साथ ही रहे, एक और ओलंपियन निशानेबाज ऐश्वर्य सिंह, दोनों मिलकर के इस यात्रा में शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से दोनों खिलाड़ियों के साथ देश में इस बार ओलंपिक में जो खिलाड़ियों ने कमाल किया है, वाकई बधाई के पात्र है। बहुत बहुत बधाई।